बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से गोरखपुर महानगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हाहाकार मच गया था। कार्य बहिष्कार के दूसरे दिन बद से बदतर हुए हालात के मद्देनजर यूपी सरकार ने निजीकरण का फैसला फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। बताया जा रहा है कि अब इन 3 महीनों में कोई ना कोई समाधान खोज लिया जाएगा। वहीं मंगलवार को सरकार और बिजली कर्मचारी संयुक्त परिषद के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। तय हुआ है कि फिलहाल बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होगा। यदि कभी भी निजीकरण हुआ तो पहले बिजली विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों की सहमति ली जाएगी। इसके अलावा अगले 15 जनवरी 2021 तक लगातार समीक्षा होगी। इसके साथ ही विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने, राजस्व वसूली बढ़ाने और बिलिंग सिस्टम को दुरुस्त करने में भी बिजली कर्मचारी संयुक्त परिषद अपनी भूमिका निभाएंगे। इन बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद बिजली कर्मचारी संयुक्त परिषद ने हड़ताल खत्म की घोषणा की। इसके बाद सभी कर्मचारी काम पर लौट गए। आपको बता दें, निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारी द्वारा कार्य बहिष्कार का मंगलवार को दूसरा दिन था। बिजली कर्मचारी ने सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल और जेल भरो आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। गौरतलब है कि सोमवार को ही ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की ओर से समझौते का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन UPPCL के चेयरमैन ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। वहीं मंगलवार को देर शाम समझौता होने के बाद बिजली विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों में हर्ष का माहौल बन गया। इस दौरान कर्मचारियों ने घूम घूम कर यूनियन के हड़ताल की जीत की खुशी में गगनभेदी नारे लगाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में कार्यों की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अजय कुमार ने कहा, अजय कुमार, केंद्रीय उपाध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन और संरक्षक यहाँ के संयुक्त संघर्ष समिति गोरखपुर के। आप देख रहे हैं कि लोगों के मन में इतनी खुशी है। ये लगातार 36 दिन बाद, महाभारत की लड़ाई भी 18 दिन में ख़त्म हो गई थी, हमारी लड़ाई 36 दिन चली है और 36 दिन बाद जो जीत मिली है इसकी खुशी हमें है। और ये खुशी का इजहार आप देख रहे हैं, मीडिया वाले आप लोग आए हैं। हम योगी जी को, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हमारी बात को माने। मैं ऊर्जा मंत्री को भी बधाई देता हूं, चेयरमैन पावर कॉर्पोरेशन को भी बधाई देता हूं और इन सारे कर्मचारियों और जनता को सबसे ज़्यादा बधाई देता हूं कि इस गर्मी में भी जनता ने हमारा साथ दिया है। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। आप क्या मांगे थी और किस चीज़ का आप लोगों का? हमारा कोई मांग नहीं थी। हमारे पूर्वांचल को, बिजली का जो पूर्वांचल का क्षेत्र है उसको बेचा जा रहा था निजी हाथों में, उसका हमारा विरोध था कि इसको बेचा ना जाए, इसी व्यवस्था में सुधार किया जाए, जिस पे सरकार मान गई है और इस पे हमारी खुशी है कि सरकार ने हमारी बात मानी। तो क्या अभी से आप लोग कायदे पे अपने वापस लौट रहे हैं? एकदम हो रहे हैं सभी लोग। अभी जनता के हित में, लोगों के हित में हम लोग हमेशा दिन रात काम करने वाले लोग हैं। हम अभी जैसे पूरे प्रशासनिक अमला बिजली नहीं दे पाया है, लेकिन हमारे लोग देखिएगा अभी रात में 10 बजे तक सबकी सप्लाई बहाल हो जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे अपनी जान लड़ा करके जनता को बिजली प्रोवाइड कराएंगे।